आप लोग को यही बताना चाहते हैं कि आप लोग जितना भी YouTube में देखते हैं वीडियो कि 200 रुपये में जीन्स, 150 रुपये में जीन्स, 200 रुपये में शर्ट, 100 रुपये में शर्ट, ये सब का चक्कर में ना फंसे, क्योंकि मैं एक बार ये फंस चुका हूँ। और ये देखिए, ये जितना भी हम कपड़ा पहनते हैं सब अपना ही रहता है। और दोस्तों, आप लोग को बताना चाहता हूँ कि जो मेरा चौथा बिजनेस था वो किस बिजनेस में लॉस गया और 2.5 लाख मेरा कैसे डूबा, कौन सा बिजनेस था, वो पूरा डिटेल्स आज का इस वीडियो में बताएंगे। जो कि मेरा घर में ही दुकान दिए थे, वो कौन सा दुकान था जो कि आप लोगों को दिखा रहे हैं। ये देखिए, चाबी ले लिए हैं, चाबी ले लिए हैं, और अभी चलेंगे उस रूम में, साइड वाला रूम में है। और फाइनली दोस्तों, अभी हम पहुँच चुके हैं जो रूम में हम दुकान दिए थे। तो यही है कमरा है, इसी में हम लोग दुकान दिए थे। और ये देखिए, इधर है, ये देखिए कपड़ा का दुकान दिए थे, ये देखिए जो कि दिल्ली से माल लाए थे। ये देखिए पूरा यहाँ पर कपड़ा भरा हुआ है, पूरा पूरा यहाँ से पूरा यहाँ तक भरा हुआ था पूरा। और इधर भी कुछ बचा हुआ है, जैकेट बचा हुआ है, ये देखिए जैकेट, स्वेटर, जीन्स सब लाए थे, लेकिन इतना बचा हुआ है, इतना सब बचा हुआ है, ज़्यादा नहीं है। तो फिर आप लोग सोचेंगे कि कपड़ा तो सब बिका हुआ है, थोड़ा सा थोड़ा बहुत है, लेकिन सब बिका नहीं है। मतलब कि जो जितना में हम लोग खरीद के लाए थे उसमें से ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ था। 2.5 लाख का माल में कम से कम मेरा तो 50,000 भी तो चाहिए, 30,000 भी तो फायदा होना चाहिए ना, लेकिन इतना भी नहीं हुआ था, जहाँ तक मेरा लॉस गया था। और प्रॉफिट जितना में खरीदे थे ना, उतना ही पैसा को हम रख के बेच दिए। मतलब मान लो कि एक जीन्स लाए थे हम 300 में, तो 300 में ही बेच दिए थे, प्रॉफिट नहीं हुआ था उसमें, क्योंकि हमको पैसा वापस लाना था ना। तो इसीलिए ये जो कपड़ा का बिजनेस किए, उसके बाद कोई भी बिजनेस में मेरा मन नहीं लगने लगा, क्योंकि घर में बोल दिए थे कि बस यही वाला बाहर पैसा दीजिए, बिजनेस करेंगे। तो पापा बहुत मेहनत से दिए थे पैसा, मतलब मेहनत हम भी किए थे, तो घर में और भी काम रहता है, हम लोग का घर में पैसा का बहुत काम है, बहन का शादी भी करना है और फिर इधर से घर भी बनाना है। लेकिन सबको छोड़ छाड़ कर ना बहन का शादी किए और ना ही घर बनाए, अपना बिजनेस के लिए, अपना करियर के लिए पैसा इन्वेस्ट किए थे, लेकिन सब पानी में बह गया। ये कपड़ा कहाँ से लाए थे ये भी आप लोग को बताएंगे। ये कपड़ा लाए थे दिल्ली से लाए थे, जो कि आप लोग YouTube में कभी देखे ही होंगे, दिल्ली से लाए थे कपड़ा। और बहुत वहाँ पर लूट मार मचा हुआ रहता है, मतलब बहुत नया नया आदमी सबको पूरा दम बुड़बक बना देते हैं, और उसी का शिकार हम भी हो गए थे। तो इसीलिए मेरा इतना लॉस हुआ, और क्या कर सकते हैं अब। और ये देख सकते हैं, बहुत अभी जींस बचा हुआ है और स्वेटर भी बचा हुआ है, लेकिन अब बचा हुआ है तो अपने खुद से पहनते हैं। और ये देखिए, ये जितना भी हम कपड़ा पहनते हैं सब अपना ही रहता है। हम अभी जिस 3 साल से एक भी कपड़ा नहीं खरीदे हैं, अपना ही दुकान का जीन्स और शर्ट पहनते हैं। सिर्फ एक ठो भगवा कलर का जो अभी रामनवमी पहने थे, सिर्फ वही कपड़ा खरीदे थे, और कपड़ा नहीं खरीदे हैं। और छोटा मोटा सामान खरीदते हैं, लेकिन जीन्स शर्ट जितना भी है सब अपना ही दुकान का रहता है और इसी के पहनते हैं। आप लोग को यही बताना चाहते हैं कि आप लोग जितना भी यूट्यूब में देखते हैं वीडियो कि 200 रुपये में जीन्स, 150 रुपये में जीन्स, 200 रुपये में शर्ट, 100 रुपये में शर्ट, ये सब का चक्कर में ना फंसे, क्योंकि मैं एक बार ये फंस चुका हूँ। तो आज का वीडियो में आप लोगों को काफ़ी जानकारी मिला कि मेरा कितना ज़्यादा लॉस हुआ। और एक बिजनेस करने का सोच रहे हैं, और वो बिजनेस बहुत ही जल्द स्टार्ट करेंगे। और अभी भी मेरा काम है, पैसा का बहुत अभी काम है, लेकिन बिजनेस करना ज़रूरी है और पैसा कमाना ज़रूरी है। बाहर बाहर नहीं जाते हैं काम करने के लिए, क्योंकि फैमिली को छोड़ के और अपना करियर को लेके बाहर जाने का मन नहीं करता है। बाहर कितना कमाइएगा दोस्त, ज़्यादा से ज़्यादा 500 या 600 मिल जाएगा, 600 आराम से हमको मिल जाएगा, क्योंकि मैं काम करता हूँ, वेल्डिंग का काम करता हूँ। हमको बाहर में जो इधर लोकल ठेकेदार है वो हमको 600 आराम से, जो इधर लोकल का ठेकेदार है वो हमको 600 रुपये आराम से दे देगा, लेकिन मैं काम करने के लिए नहीं जाता हूँ,
क्योंकि फैमिली को छोड़ के काम करने का मन नहीं करता है। और दोस्तों, मैं हार मानने वाला में से नहीं हूँ, मैं संघर्ष करता रहूँगा और एक नए बिजनेस की तलाश में रहूँगा। अभी सोच रहे हैं कि दो ठो बिजनेस और करेंगे, एक में मतलब दो ठो बिजनेस और करेंगे, उसमें से पैसा अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन घर वाले को भी मांगेंगे तो नहीं देंगे, क्योंकि हम जानते हैं नहीं देंगे, हमको इधर उधर से जुगाड़ करना पड़ेगा। तो चलिए, आज का वीडियो में इतना ही, और उम्मीद करता हूँ कि आज का ब्लॉग आप लोग को पसंद आया होगा। अगर यदि आज का ब्लॉग आप लोग को पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि मेरा नेक्स्ट ब्लॉग आप लोग के मोबाइल में जल्द से जल्द मिल सके। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।